Hello, what's up guys? My name is Pinod Bahadur Thapa and today in this video we will see restructuring in JSX. जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि जितने भी प्रॉप्स थे आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करके अपने जो JSX के कोड है उसको आप और नीट एंड देन क्लीन दिखा सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक आपने बाकी की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बिकॉज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। एक दो भी अगर आप मिस कर देते हो तो आप मिस कर जाओगे बहुत सारी चीजें, एंड हर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आज का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि हम नेटफ्लिक्स कार्ड के साथ खेल रहे हैं, एंड डोंट वरी, बहुत ही जल्द हम CSS के साथ खेलने वाले। तो आपका ये जो कार्ड ऐसा जो दिख रहा है ना फिलहाल, अभी आगे जाके बहुत ऑसम दिखने वाला है जब हम पूरा CSS इसमें इंक्लूड करने वाले, ठीक है। सो या बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, एंड गाइस मैं नहीं चाहता कि आप ऑसम वीडियोस को मिस कीजिए, इसलिए भी आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है। ऑलराइट, सो हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे। राइट, सो हियर वी हैव आवर कोड एडिटर। यहां तक तो सब कुछ है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस मैं आपको एक और बार फ्लो बता देता हूँ। हियर वी हैव आवर ऐप कंपोनेंट जिसमें मैं नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। हियर वी हैव आवर नेटफ्लिक्स सीरीज कंपोनेंट जिसके अंदर मैं सीरीज कार्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है क्योंकि हम मैप मेथड यूज करके इसको कॉल कर रहे हैं, जहां पे मैंने अपने प्रॉप्स, दो प्रॉप्स पास किए हुए। मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो जब आप इस तरीके से प्रॉप्स पास करते हो तो आपने एक चीज नोटिस की कि प्रॉप्स के बदले आप कुछ भी नाम लिख सकते थे, एंड आप इस तरीके से प्रॉप्स डॉट करेंट एलिमेंट, एंड हम करेंट एलिमेंट इसलिए यूज करें क्योंकि इसका मैंने नाम करेंट एलिमेंट दिया हुआ है। अगर ये डेटा होता तो आप यहाँ पे ये करेंट एलिमेंट यूज नहीं कर पाते, एंड लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये जो करेंट एलिमेंट है भाई ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो अब ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ दिस करेंट एलिमेंट, यहाँ पे आप गाइस इस तरीके से ये जो डेटा है तो जहां जहां आपका ये करंट एलिमेंट है वहां पे आप डेटा पास कर सकते थे। सो ये करते देखो गाइस आपका वापस से काम कर जाता। तो ये एक तरीका था जहां पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं डेटा ही रखता हूँ अब इसको, यू नो। सो ध्यान से देखिएगा डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। सो मैं यहाँ पे चलूंगा। ऑलराइट गाइस, सो अगर आपको याद हो कल की वीडियो में मैंने आपको प्रॉप्स को कंसोल करके दिखाया था, एंड आपको मालूम है कि आपको क्या डेटा मिल रहा होता है। लाइक हमें कंसोल पे कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स मिल रहे, वैसे तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते नहीं है, इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। या हियर वी हैव दिस डेटा, एंड डेटा में आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, कास्ट डिस्क्रिप्शन जनर आईडी, ये सारी चीजें जो है इसको मैं फर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो उन्होंने कुछ ये वाला सिंटेक्स यूज किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि मुझे ये प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीज हर जगह रिपीट हो रहा है, एंड मुझे इसको एलिमिनेट करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको अब डिस्ट्रक्चर करूंगा, कैसे, कॉन्स्ट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं ऑलरेडी डिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली हमारे ECMAScript का पार्ट है, एंड वो आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स में ECMAScript 2015 वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया, एरे एंड देन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। देन गाइस यहां पे मैं डेटा लिख देता हूं, एंड यहां पे मैं प्रॉप्स पास कर देता हूं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि प्रॉप्स के अंदर मुझे डेटा मिल रहा है एंड देन एक की मिल रहा होता है, तो मैंने डेटा को डिस्ट्रक्चर कर दी। अब एटलीस्ट ये जो जो आपको प्रॉप्स दिख रहा है इसकी मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली डेटा के थ्रू कर सकता हूं क्योंकि मैं यहां पे उसको ऑलरेडी डिस्ट्रक्चर कर चुका हूं। सो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूं, मैं यहां पे चलता हूं इस जगह पे, तो आप देखोगे कि मुझे मेरा डेटा आ गया। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम कि मतलब आप एटलीस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन मुझे जगह जगह पे प्रॉप्स डॉट लिखने की नीड नहीं है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी भी डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट आपको वो दिखाई दे रहा है, तो मैं फर्दर इसको और डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। अब द थिंग इज कि प्रॉप्स के अंदर तो चलो ये सिर्फ दो ही डेटा थे, प्रॉप्स के अंदर तो वी हैव डेटा एंड देन की ओनली, बट अगर ऑब्जेक्ट डेटा, एक सेकेंड, ठीक है, या डेटा के अंदर वी हैव दिस डेटा एंड देन की। अभी डेटा के अंदर भी तो इतने सारे कास्ट डिस्क्रिप्शन ये जो सभी चीजें है ना, इतने सारे चीजें जो है इसको भी गाइस मैं फर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। इट मींस कि मुझे डायरेक्टली अगर मैं नाम लिख दू तो भी मेरा काम हो जाए कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये डेटा मैं हटा देता हूँ, सो मुझे प्रॉप्स डॉट डेटा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रॉप्स डॉट डेटा को मैं अब डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मुझे अब यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल मैं उसको यूज कर सकूं। सो मेरे पास ऑलरेडी वो डेटा है वैसे, एंड मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। अब द ब्यूटी इज कि ये जहां जहां डॉट एंड देन डॉट लिख रहा है, आई मीन डेटा एंड देन डॉट, उसको मैं हटा दूंगा, एंड या दिस इज इट। सो मैं अब कंट्रोल एस सेव कर रहा हूं, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो जो डेटा अब आपको दिख रहा है, लाइक हियर वी हैव इमेज नेम का नेम, रेटिंग का रेटिंग, डिस्क्रिप्शन जनर, ये सब वो सब,
अब अगर मैं एज इट इज लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, तो देखो मुझे मेरा डेटा आ गया, कितनी इजीली मुझे मेरा डेटा आ गया। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर डीस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे अब आपका वो जो एक पार्ट था ना, वो देखो कितना इजी हो गया यहाँ पे। फिलहाल इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, है ना। अब आप देख सकते हो कि कितना औसम हो गया यहाँ पे वो, देखो। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, था ना बहुत ही ज्यादा औसम, कि अब हम डीस्ट्रक्चर करके हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कितना सिंप्लीफाइड नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे लेट से आपने प्रॉप्स डॉट डेटा लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पता है एक और काम कर सकते थे, कि हमें मालूम है कि फिलहाल सीरीज कार्ड में मैं दो प्रॉपर्टीज, बेसिकली दो प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ प्रॉप्स को डायरेक्टली लेना, आप यहाँ पे भी इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ वन एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस। ये ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप डेटा पास कर सकते हो इस तरीके से डेटा, तो अब आपको प्रॉप्स लिखने की नीड नहीं, आप खाली डेटा लिख दोगे तो भी ये आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। एंड प्रॉप्स को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कंसोल वाले को, एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ तो भी मुझे मेरा डेटा दिखाई देगा। कैसा लगा आपको? तो गाइस देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि कैसे आप और फर्दर उसको सिंप्लीफाइड एंड क्लीन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेएसएक्स, देन मैप मेथड, बेसिकली लूप, देन हमने देखा कि कैसे हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं, एंड नाउ अब हमने देखा कि हम फर्दर डिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है कि ये आईडी कभी मिला नहीं, रेटिंग कभी ये हुआ नहीं, मिसिंग प्रॉप्स वैलिडेशन, ये स्लिंट एंड ऑल, तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है गाइस उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो कल के दिन बनाने वाला हूँ, ताकि जहां जहां अगर आप में से जिसको भी इस तरीके से एरर आ रहा है वो नहीं आने वाला, फिर बेसिकली एरर नहीं, इट्स अ वार्निंग, तो वो आपको नहीं आएगा। बट आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली अब हम गाइस बहुत जल्द सीएसएस देखने वाले हैं कि कैसे अब हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट में हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया कि कैसे इतना ऑसम कार्ड्स, देखो ना कितना मस्त कंपोनेंट्स देख लिया, जेसन देख ली, वापस प्रॉप्स देख लिया, जेएसएक्स देख लिया, मैप मेथड देख ली, बहुत कुछ हम ऑलरेडी देख चुके, राइट। सो फाइनली अब स्टाइलिंग की बारी आ चुकी है, जो कि हम परसों की वीडियो से देखेंगे, कल आपका वो वार्निंग वाला वीडियो है, एंड कल के दिन मैं दो दो वीडियो एक साथ डालूंगा, तो आपको और मजा आने वाला है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने ही, वीडियो कैसे लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सोर्स कोड, आपका नोट्स, सब कुछ बिल्कुल फ्री है, एंड प्लीज प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो सारे के सारे वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा, एकदम सिंपल रखा ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो समझने में। सो गाइस इतना अगर मैं कर रहा हूं तो प्लीज मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि व्यूज कम है, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो गाइस मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना यूट्यूब पे, क्योंकि अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज एक ही तरीका है कि आप वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, मतलब जस्ट शेयर करते रहिए जितना हो सकता है, एंड देखने बोलिएगा, एंड ये जावास्क्रिप्ट की वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। कुछ भी डाउट आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।